যোগীরা যে দলিত পরিবারের তিনজনের উপর একেবারে নৃশংস নির্যাতন, সেখানে তিনজনকে গুলি করে খুন করা হচ্ছে, মেয়ে জামাই এবং তার বাবাকে গুলি করে খুন করা হচ্ছে, অর্থাৎ যোগীরাজ্যে আবারও নির্যাতনের শিকার দলিত পরিবার, মেয়ে জামাই বাবাকে গুলি করে খুন করা হচ্ছে, কৌশাম্বীর সন্দীপন ঘাট থানা এলাকার ঘটনা, এবং তারপরেই একেবারে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সেখানকার স্থানীয়রা, তারা রীতিমতো বিভিন্ন বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী এবং সেখানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ তারা শুরু করেছে। আমরা এ বিষয়ে আরো জানব। ফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি মনীষ তিওয়ারি। মনীষ জি, আভি তক কে আপডেট মিল রয়ে আপকো? কোশাম্বী কা মামলা হ্যায় আর সুবহ কে ওয়াক্ত জো হ্যায় দবঙ্গো কে দ্বারা জো হ্যায় पिता और बेटी और दामाद की गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है पूरे गांव में जो है बहुत ही तनाव भरा माहौल है, जिसको देखते हुए पुलिस की कई टीमों को जो है गांव के आसपास जो है लगाया गया है, जिससे कि आगे किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। जिस प्रकार से जो दबंग लोग थे उनके द्वारा तीन लोग की हत्या करने के बाद उनके घरों में जो है आग तक लगा दी गई, जिसको बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया। पुलिस महकमे के जो आलाधिकारी है मीडिया के सामने मुखातिब होकर के उनके द्वारा ये कहा गया है कि चार लोगों के अब तक नाम बताए गए हैं, जिनकी जो है तलाश उनके द्वारा की जा रही है। और उनका साफ तौर से कहना है कि कुछ जमीनी विवाद को लेकर के इस प्रकार की घटना देखने को मिली है। लेकिन बहुत ही सोचनीय बात है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे करती है कि अब बदमाशों को खत्म कर दिया गया है, अब किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि एक ही परिवार के तीन लोग की गोली मार करके दिन दहाड़े हत्या करना और घरों में आग लगा देना, तो कितना दुस्साहस जो है उन बदमाशों के अंदर था। और जिस प्रकार से पुलिस जो है दावे जरूर कर रही है, लेकिन उन दावों में अब तक जो है किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो कह सकते हैं जिस प्रकार का ये पूरा मामला है कि सुबह के वक्त जो है बाप और बेटी और दामाद को गोली मारी गई और उसके बाद गांव के कई घरों में आग भी लगा दी गई। और ये दलित परिवार था, तो जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न का भी मामला देखा जा सकता है, अब ये देखना है कि पुलिस उन बदमाशों तक कब तक पहुंच पाएगी और उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी। ये अब सरकार के ऊपर भी बहुत ही बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दल भी लगातार जो है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वो भी सरकार पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से ये तीनों हत्याएं हुई हैं, तो सरकार जो दावे करती है कि अब यहाँ पर कानून व्यवस्था है, अब वो कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं खोखली साबित होती हुई नजर आ रही है। जी जी, बहुत शुक्रिया आपको। हमारे संगे फोने छिलेन प्रतिनिधि मनीष तिवारी।